आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विराट कोहली के एक्स टीममेट ने ठोकी ट्रिपल सेंचुरी, देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड में आया लोमरोर का तूफान। रणजी ट्रॉफी के मैच में लगाया तिहरा शतक। आईपीएल में पूर्व आरसीबी खिलाड़ी महिपाल लोमरोर ने रणजी ट्रॉफी एलीट मैच के दौरान बल्ले से विस्फोटक पारी खेली है। राजस्थान की टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ तिहरा शतक ठोक कर खलबली मचा दी है। लोमरोर का ये तूफान देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड में आया जहां रणजी ट्रॉफी एलीट के मैच चल रहे हैं। राजस्थान का मुकाबला उत्तराखंड के बीच देहरादून में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उत्तराखंड की टीम ने फैसला किया। इस दौरान राजस्थान के अभिजीत तोमर और राम मोहन ओपनिंग करने आए। अभिजीत के बल्ले से 20 रन निकले जबकि महिपाल ने उनके आउट होने के बाद टीम की पारी संभालने की जिम्मेदारी उठाई और तिहरा शतक जड़ दिया। लोमरोर ने इस दौरान 360 गेंदों का सामना किया और 25 चौके और 13 छक्के जड़े। वो नाबाद 300 रन बनाकर लौटे। आपको बता दें कि जिस ग्राउंड में महिपाल लोमरोर ने तीसरा शतक जड़ा वो भारतीय टेस्ट टीम के हिस्सा अभिमन्यु ईश्वरन के नाम पर उनके पिता द्वारा बनाया गया ग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में बतौर ओपनर अभिमन्यु अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके घरेलू मैदान में रनों का तूफान आ चुका है। महिपाल आईपीएल में आरसीबी की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के ठीक 10 दिन पहले उन्होंने तिहरा शतक जड़कर हर किसी का ध्यान खींचा है। अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आरसीबी की टीम भी उन्हें आईपीएल 2025 के लिए खरीदने में वापस दिलचस्पी दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।